हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। अपने पति को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हर पत्नियां जरूर करें ये 8 कार्य। पत्नियां अपने पति की लाडली कैसे बने, यानी कि हम अपने पति की सबसे प्यारी लाडली पत्नी कैसे बनेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि अपने पति की लाडली कैसे बने, फिर हम जो जानेंगे कि अपने पति को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हमें कौन से कार्य करना चाहिए और हमें कैसे रहना चाहिए जिससे कि हमारे पति की ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति हो। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन इसी के साथ ये बात भी सच है कि इस रिश्ते को चलाने के लिए पति और पत्नी दोनों का ही साथ होना ज़रूरी है। अगर इस रिश्ते में कोई एक पार्टनर दूसरे की तुलना में ज़्यादा भावनात्मक तरीके से जुड़ाव महसूस करता है और दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है, तो रिश्ते को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही होता है जब आपका पार्टनर, यानी कि आपके पति फीलिंग्स की कदर नहीं करता है, ना ही आपके रोने को लेकर, ना ही आपके दुख को लेकर, और ना ही आपके बुरा महसूस करने को लेकर कोई प्रतिक्रिया देता है, तो बुरा लगता ही है, स्वाभाविक है, बुरा लगना चाहिए। यह समस्या कई के बीच देखी जाती है कि एक पति पत्नी इमोशनली उपलब्ध है लेकिन दूसरा नहीं, ऐसे में रिश्ते में अकेलापन लगने लगता है और ये ठीक नहीं है। कई बार स्थिति पत्नियों के साथ होती है कि वो रिश्ते में बंधने के बाद भी अकेलेपन के कारण परेशान हो जाती है। अगर आपके रिश्ते के साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और खुद से कुछ बातें पूछने की ज़रूरत है। जैसे, क्या आपके रिश्ते में शुरुआत से ही आप अकेलापन महसूस कर रही थी या फिर आप नयापन महसूस कर रही हैं? क्या किसी घटना के कारण आपका रिश्ता खराब होने लगा है? फिर आपके स्वभाव में भी अंतर आया है, यानी कि आपके पार्टनर के स्वभाव में, आपके पति के स्वभाव में अंतर आया है, ये भी देखना हमें ज़रूरी होता है। क्या आप अपने पति से किसी अलग तरह से व्यवहार करने लगी हैं, ये भी समझना ज़रूरी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्ते में अलगाव की स्थिति पैदा हो गई है? ये सभी बातें समझना बहुत ज़रूरी होता है एक पत्नियों को, क्योंकि आपके रिश्ते में कहाँ से बदलाव आना शुरू हुआ है पहले उसको पकड़ना चाहिए। देखिए, पहले हमें जो भी समस्या है, जिनके साथ भी ये समस्या है, मान लीजिए पति पत्नी में ज़्यादा प्रेम नहीं रहता है, रूठापन रहता है हर वक्त, तो पत्नियों को समझना ज़रूरी है कि रिश्ते में कहाँ से बदलाव आना शुरू हुआ है। उस समस्या का हल निकालना आप ही को होगा। मैं सभी पत्नियों से बोलूँगी कि पत्नी जो होती हैं, सभी महिलाएं अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है, लेकिन कुछ पत्नियां ऐसी हैं कि जो अपने स्वभाव के कारण ही खराब होती हैं, और कुछ पत्नियां ऐसी हैं कि वो अपने पति के स्वभाव के कारण ख़राब हो जाती हैं। तो मैं दोनों के बारे में इसमें चर्चा करूंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके उपाय की, अगर आपका पति वाकई आप पर ध्यान नहीं देता है या फिर वो इमोशनल नहीं है और आपको रिश्ते में अकेलापन महसूस हो रहा है, तो ये उपाय कीजिए। हो सकता है कि आपका पार्टनर सिर्फ आपकी बात ही ना समझ पा रहा हो। उसे समझाएं कि आपको किस चीज़ का बुरा लगता है। उसे सिर्फ गेस करने के लिए ना छोड़ें, उसे ये समझाना ज़रूरी है कि आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। रिश्ते में बात करने से काफ़ी कुछ हल हो सकता है। दोस्तों, बात ही सब कुछ होता है, बात से ही सब कुछ बिगड़ जाता है और बात से ही सब कुछ सुधर जाता है। किसी को भी हर वक्त शिकायत सुनना अच्छा नहीं लगता है। अगर आप अपने पति के नज़रों में अच्छा बनना चाहती हैं तो हमेशा सिर्फ शिकायत ही करती रहेंगी, तो पार्टनर यानी कि पति का ध्यान आपकी तरफ से हटेगा ही। अगर आपको अपनी बात समझानी है तो भी लड़ने और शिकायत करने की जगह आराम से अपने पति को समझाएं।
आप टीचर या हेडमास्टर की तरह हमेशा शिकायत करेंगी तो ये गलत होगा। तो पहली बात ये हो गई कि हमें कोई भी शिकायत बार बार अपने पति से नहीं करना चाहिए। बहुत सारी पत्नियां हैं जो बार बार शिकायत करती रहती हैं, आप ये नहीं करते हैं, आप वो नहीं करते हैं, हमें बहुत दुख होता है, ये होता है वो, तो बार बार पति को ऐसे टॉर्चर करने से पति के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है और इससे बात बनती नहीं है बल्कि और बिगड़ जाती है। दोस्तों, अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं है तो उसे ठीक करने की जगह हमेशा रखनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि समस्या बहुत बड़ी हो, आपको बदलाव का मौका खुद को भी देना चाहिए और अपने पति को भी देना चाहिए। रिश्ते को सुलझाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। ध्यान रखें कि अगर आपको आपकी भावनाओं की कदर करवानी है तो अपने पति की भावनाओं की कदर भी करनी होगी। हर पत्नियों से मैं बात कहूँगी, या इमोशनल इंटीमेसी और फिजिकल इंटीमेसी दोनों ही बात हो रही है। आपके रिश्ते में दोनों की ही कमी नहीं होनी चाहिए। कई बार थोड़ा सा लगाव रिश्ते की समस्या को सुलझा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि रिश्ते में कुछ भी नहीं सुधर रहा है तो आपको जैसी चीज़ें भी, जैसे कि थेरेपी जैसी चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कपल थेरेपी कई बार आपकी स्थिति को बेहतर बनाने का काम कर सकती है। कई बार अपने रिश्ते की जो समस्या हम खुद नहीं समझ पाते हैं वो कोई और समझ लेता है। अगर इसके बाद भी रिश्ते में कोई सुधार नहीं हो रहा है तो आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। किसी रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो पूरी ज़िंदगी साथ निभा सके। इस मामले में आपकी क्या राय है इसके बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बताते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, जैसे कि कौन से वो काम हैं जो हमें करना चाहिए जिससे कि हमारी, यानी कि हमारे पति की उन्नति का रास्ता खुलते रहे। देखिए, सबसे पहला बात यह है कि हमें समझना है कि कभी भी पति पत्नी का झगड़ा, जिस घर में पति पत्नी प्रेम से नहीं रहते हैं, पत्नियां घर की लक्ष्मी होती हैं। मैं हर पत्नियां से बोलूँगी, हर महिलाओं को मैं बोल रही हूँ कि अगर अपना गृहस्थी अच्छा से चलाना है और आगे बढ़ना है जीवन में तो हमेशा खुश रहना चाहिए। इस पर भी सवाल आता है कि मैम, हमसे बहुत लोग कमेंट किए थे मेरे पिछले चैनल में, बोल रही थी कि हम क्या करें कि पति जो है बात ही नहीं मानता है, शराब पीता है, गाली देता है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, जीवन आपको अपने आप से बनाना होता है और अपने आप से बिगाड़ना होता है। पति कैसा भी हो, हमें पति का आदर करना चाहिए, उनको भगवान समझ के पूजा करना चाहिए। पति परमेश्वर होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, और जो पत्नियां भगवान स्वरूप अपने पति को मानकर उनकी पूजा करती हैं, उनकी आदर करती है, उनकी हर जरूरतों की को पूरा करती है, वही पत्नी सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। चाहे पति कैसा भी हो, बस उसको उस हाल पर छोड़ दीजिए, लेकिन अपना धर्म कभी भी, पत्नी धर्म जो होता है वो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए कि पति के बिना एक स्त्री का जीवन बेकार होता है। दोस्तों, ऐसा कहा गया है, हमारे गुरुजी जो हैं वो भी बताते हैं कि एक पत्नी का जीवन पति के बिना बिल्कुल भी बेकार है। जैसे कि वो एक भजन भी है, बिन परमेश्वर मंदिर सुना, बिंदिया बिना लीलार सुना, पति बिना संसार, एक नारी ने जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सुना, पति बिना संसार। देखिए दोस्तों, पति बिना संसार सूना हो जाता है। एक पति अगर नहीं रहे तो आपका संसार जो है सूना सूना ही रहता है। इसलिए हर पत्नियों को मैं बोल रही हूँ कि हमेशा वो अपने पति का सम्मान करें। पति कैसा भी है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अपने घर को बढ़ाना चाहती हैं, अपने घर की उन्नति चाहती हैं, अपने घर में खुशहाली चाहती हैं,
तो आप दोनों एकदम प्रेम से रहें, हमेशा खुशहाल रहें। प्रेम ही एक ऐसा चीज़ है कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा है कि जहाँ सुमति होती है वहीं पर संपत्ति आती है, और जहाँ सुमति नहीं होती है वहाँ पे संपत्ति, बल्कि माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। जिस घर की महिला हमेशा रोते रहती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता है। इसलिए पत्नियाँ जो हैं हमेशा खुश रहा करें, हमेशा खुश रहा करें अपने पति से, हमेशा खुश रहा करें। चाहे आपका पति कैसा भी है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। इतना जो पत्नी अगर मान लेगी, उनके घर में कभी धनदान की कमी नहीं होती है। आपको देखिए, ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जो है हमेशा भगवान नारायण की पैर दबाती हैं। तो हर पत्नी को, जो पत्नियाँ अपने पति की पैर दबाती है यानी कि चरण को छूती है, उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी सदैव उस नारी पर प्रसन्न रहती हैं। इसलिए हमें अपने पति को भगवान समझकर सेवा करनी चाहिए, उनको पूजा करना चाहिए। मान लीजिए आप पति की पूजा नहीं कर, भगवान की पूजा कर रही हैं और अपने पति का अनादर कर रही हो, तो आपको भगवान की पूजा करने का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमें पति को सम्मान देना है। वो अपना बुरा कर्म, अगर खराब है पति तो अपना कर्म कर रहा है, हम अपना कर्म करेंगे। अगर पति को समझ नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, मैं हर पतियों से बोलूँगी कि वो अपने पत्नी का सम्मान किया करे। जो पति अपने पत्नी का सम्मान नहीं करता है, उसका घर कभी आगे नहीं बढ़ता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे पति हैं जो बोलते हैं ये पैर की जूती है। पत्नियाँ पैर की जूती नहीं होती है साहब, बल्कि सिर की पगड़ी होती है। हर पति को मैं बोलूँगी कि वो अपने पत्नी का सम्मान किया करें। जो जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है, उस घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। मैं सभी पति पत्नियों से बोलूँगी कि जिनको भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत आगे तक जाना है, उनका परिवार हमेशा खुशहाल रहना चाहिए। जब हम पति पत्नी अपने में खुशहाल रहेंगे, तभी जाकर हमारे बच्चे भी खुशहाल रहेंगे और वो जीवन में आगे बढ़ेंगे। जब पति पत्नी ही हमेशा दुख में रहेगा तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, वो क्या पढ़ेंगे, वो तो उसी में रह जाएंगे, आगे पढ़ने की चेष्टा ही उनका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए और अपने पति को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं पर जितना भी सितम आ जाए, सह करके हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो हर महिलाओं को मैं बोलूँगी कि वो हमेशा अपने परिवार को अगर आगे बढ़ाना चाहती हैं तो परिवार में प्रसन्न रहे। चाहे कितना भी सितम आए, कितना भी दुख आए, फिर भी आपको हंसते रहना है। एक ना एक दिन भगवान जरूर सुनेंगे। ऐसे कहा गया है दोस्तों, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। तो जब हम अपना कर्म करते रहेंगे, किसी दिन तो भगवान की नज़र पड़ेगी। जब भगवान की नज़र जिस दिन हो जाएगी, उस दिन अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। चाहे पति हमारा कितना भी गलत हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई भी पत्नी को। दोस्तों, आप लोग नहीं मानिएगा, यह समस्या मेरे साथ हुई है और मैं सहन करके आज मैं जीत गई हूँ, इसीलिए आप लोगों में भी शेयर कर रही हूँ। तो अपनी यानी कि अपने पति को अगर ऊंचाई तक पहुँचाना चाहती हैं महिलाएं, तो जो भी बातें मैं बताई हूँ, इस बात पर गौर कीजिएगा और करके देखिएगा। मैं गारंटी लेती हूँ कि चाहे कितना भी यानी कि झगड़ालू पति हो, अपने आप सुधर जाता है, भगवान की नज़र एक न एक दिन पड़ ही जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि यह जानकारी लोगों तक पहुंच पाए। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।